हमारी गोट्स की तरपाल दोबारा से नीचे गिर गया, इस साइड से फिर रस्सी टूट गया, यहाँ से यहाँ पर मैंने दोबारा से लगाई थी यार, फिर से ये टूट गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? काफी दिनों बाद यार ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ था, थोड़े से काम आए थे जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन अब से रेगुलर हम दोबारा से बनाएंगे ब्लॉग। और बीच में ईद आ गई थी जिसकी वजह से नहीं ब्लॉग बना पाया, लेकिन आज से हम रेगुलर दोबारा से शुरू करेंगे ब्लॉग। और यहाँ पर हमारे याली और बकरियों के गोट्स की सारी तरपाल नीचे गिर गया दोबारा से। बार बार मैं ठीक करता हूँ लेकिन बार बार टूट जाती है, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना मजबूती का साथ लगाऊंगा और सही तरीके से यहाँ पर लगाऊंगा, फिर ये नीचे नहीं गिरेगी। अभी भी उसके ऊपर धूप आ रही है, यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा सेट करके इसको यहाँ से धूप में हटाता हूँ और इसे छांव में करता हूँ। और फाइनली फाइनली आज हम गुड़िया के लिए एक सरप्राइज लेने जा रहे हैं। गुड़िया, आज हम सरप्राइज लेने जा रहे हैं तुम्हारे लिए, जो तुम इतने दिनों से कह रही थी ना डक्स के बच्चे, आज हम डक्स के बच्चे लेने जा रहे हैं। ये वो नहीं, आज मुझे कॉल आई है, आज आ गए हैं डक्स के बच्चे, आज लेकर आएंगे लाजमी हम, आज डक्स के बच्चे आ जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है ठीक है, अभी लेने चलते हैं। हाँ अभी लेने चलते हैं, उतनी देर मैं जरा इनको जरा घास वगैरह डाल दूँ और बाकी अपने परिंदों को पानी दाना वगैरह डाल दूँ और उसके बाद फिर हम जाएंगे। ठीक है, पहले हम इनको डाल देते हैं ना, तुम पानी डालो ना इनको अपने चिक्स को, मैं उतनी देर अपने बजीस को डालता हूँ पानी वगैरह और सारा कुछ। ठीक है, बजीस को मैंने डाल दिया दाना पानी। ओए तुम किधर आ रहे हो? ये इसको लगा मेरे लिए कुछ डाला है और ये खाने के लिए आ गया। चलो यहाँ से बाहर, यहाँ पर नहीं आना, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम लोगों को भी डालता हूँ, तुम लोगों को बल्कि मैंने डाली हुई है वहाँ पर, मैंने घास इनको डाली हुई है, लेकिन ये यहाँ पर खाने के लिए आ गया, अभी पानी पी रहे हैं दोनों। इन दोनों को यहाँ पर जो हमने परिंदों के लिए पानी रखा हुआ है वहाँ से पी लेते हैं ये दोनों। पहले जो हमारा कोको है इसको यहाँ पर बाजरा खाने की आदत पड़ गई है, ये ना खाया करो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा यार, यहाँ से बाजरा खा लेता है डेली। कल भी मैंने ये फुल किया था और देखो अभी इतना सा बचा है, इसने सारा खा लिया है। हाँ इसके निकाल दो मुँह में से इसके, इसका पेट खराब हो जाएगा, निकाल दो निकाल दो निकाल। तो सब परिंदों को हमने दाना पानी डाल दिया और अब हम चलते हैं फाइनली अपने डक्स के बच्चों को लेने के लिए। तैयार हो गुड़िया? जल्दी से हम लेने चलते हैं, चलो लेट्स गो, लेकर आते हैं आज फाइनली डक्स के बच्चे। तो यार आज अगला दिन, कल बारिश आ गई थी, हम जा नहीं सके लेने के लिए अपने डक्स के बेबीज, बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी डक्स के बच्चे नहीं मिल रहे थे और अगर मिलने लगे तो कल बारिश आ गई थी, लेकिन आज हम जाएंगे लेने के लिए। अभी तो मौसम काफी ठीक हो गया, सुबह बारिश हो रही थी लेकिन अभी धूप निकल आई है, लेकिन हम लेने चलते हैं आज डक्स के बच्चे। और उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं यार, घास को सारी नीचे गिरा रहे हैं और ये खा रहे हैं, इनको मैं डालता हूँ, ली और बकरी को भी डाल देता हूँ, इन दोनों को भी डाल देता हूँ, ये दोनों घास खा लेंगे सब और फिर हम लेने चलते हैं डक्स के बच्चे जल्दी से। तो यार यहाँ पर मैंने घास डाल दिया, हमारी मुर्गियां भी साथ खा रही है घास, ये दोनों खा ले यहाँ पर पहले, फिर उसके बाद हम डालेंगे ली और बकरी को, ये मैंने कहा पहले खा ले थोड़ी सी, क्योंकि ली और बकरी खाने नहीं देते इनको, तो यार यहाँ पर खा लेंगे जल्दी जल्दी से, तो फिर उनको मैं फिर डाल दूंगा, ये जितनी देर तक खा लें थोड़ी देर इन खाने देते हैं। और इस खाली केज के अंदर हम रखेंगे डक्स के बच्चों को, ये देखो यहाँ पर हम रख लेंगे डक्स के बच्चों को। ओहो मोबाइल नीचे गिर गया, ओ ये क्या हुआ, ये कैसे आ गए यहाँ पर, वाओ मैजिक कैसा जादू गुड़िया देखा जैसे मोबाइल नीचे गिरा, और ये देखो यहाँ पर ये आ गए डक्स के बच्चे, साथ में डक्स के बच्चे साथ में चूजे भी आ गए हमारे चिक्स, इनको बाहर आने दो, बाहर निकल बाहर आओ बाहर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको पकड़ कर मैं आपको दिखाता हूँ यार, बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से बच्चे, ओए 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 इधर आओ, तुम भी यहाँ पर घूमो बाहर, इनको गुड़िया बाहर घुमाते हैं, इनके लिए पानी लाओ। और ये हमने आगे कर दिया यहाँ से नीचे ना गिर जाए, एक बार पहले भी हमारा गिर गया था और वो मर गया था, याद है गुड़िया डक एक बच्चा आया था वो नीचे गिर गया था और मर गया था। और यहाँ पर हमने पानी डाल दिया यहाँ पर इनको, और ये हमारे चिक्स हैं, ये जहाँ पर घूम रहे हैं ये पानी पी नहीं रहे। गुड़िया जो हमने टर्टल का घर बनाया था टर्टल हाउस, वहाँ पर पानी डालकर इनको रखेंगे, वहाँ पर ये खेल लेंगे पानी डालकर। ठीक है अभी के लिए आज रहने देते हैं, कल हम डालेंगे इनके लिए वहाँ पर पानी और यहाँ वहाँ पर नहाएंगे और वहाँ पर खेलेंगे। ठीक है, बहुत ही यार ये प्यारे हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया तुम लोगों ने, हम कितने दिनों से तुम लोगों को ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहे थे और आज फाइनली मिल ही गए हैं और आ गए हैं, फाइनली मिले नहीं घर में आ गए हैं यार, डेली हम लेने जा रहे थे, कल बारिश आ गई थी और आज फाइनली आ गए हैं। और आपको डक्स के बच्चे किस तरह के लगे लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना आपको किस तरह के बच्चे लगे, बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, येलो कलर के हैं, इनका रंग चेंज हो जाएगा कलर गुड़िया, वाइट निकलेंगे। अच्छा मुझे तो इतना कोई अंदाजा नहीं, पहली दफा मैं लेकर आया हूँ, फर्स्ट टाइम है डक्स का, तो देखेंगे किस तरह के निकलते हैं, किस तरह का इनका कलर होता है। और बहुत ज्यादा यार ये इस तरह तो येलो कलर के भी बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, येलो कलर के होते हैं कोई गुड़िया, येलो ये
ये छोटे जब होते हैं ना तब येलो होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर वाइट हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह कलर चेंज हो जाता है। चलो इस तरह ये चिक्स का भी इस तरह होता है, इनका भी कलर चेंज हो जाएगा अभी, लेकिन इनका अभी मुझे कुछ नहीं पता, इनका देखेंगे किस तरह के निकलते हैं। यार वैसे ये बहुत ज्यादा प्यारे हैं, आपको ये किस तरह के लगे आपने कमेंट करके जरूर बताना। गुड़िया डस्क के बच्चों को नीचे लेकर आ गया क्योंकि कह रही है कहीं इका सना उठा कर ले जाए। गुड़िया किस तरह का महसूस हो रहा है, आज तो डस्क का ड्रीम पूरा हो गया तुम्हारा। क्या बताऊं, वाह 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 वाह, गुड़िया काफी दिनों से इंतजार कर रही थी डस्क के बच्चों का और आज गुड़िया का ड्रीम पूरा हो गया है। ये कितने सॉफ्ट सॉफ्ट और प्यारे प्यारे हैं। हाँ बहुत ही प्यारे हैं। अभी जाकर देखते हैं, घास खा लिया है अपने कोकोड़ियो ने, खा लिया खा लिया खा लिया है। कहाँ पेट बढ़ गया, इन दोनों का पेट थोड़ा थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन अभी खाने देते हैं और उसके बाद हम डालेंगे ली और बकरी को। वो दोनों बैठ गए हैं, पहले इंतजार कर रहे थे और अभी बैठ गए आराम से, अभी डालते हैं इनको भी, ये खा ले पहले। और यहाँ पर अपने बजिस को भी देख लेते हैं, इन्होंने ये वाला जो बजिस है ना ब्लू वाला और यहाँ पर व्हाइट वाला, ब्लू व्हाइट, इन्होंने अपने बच्चे को बाहर फेंक दिया था। आपको मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो देखनी है वो शॉर्ट मैंने अपलोड की हुई है, वहां पर जाकर देख लेना। इन्होंने वहां पर इसको मार मार कर बाहर फेंक दिया था, तो फिर मैंने उसकी केयर करनी शुरू की, लेकिन दो दिन बाद वो मर गया। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो आप देख लेना शॉर्ट वीडियो में जाकर, इन दोनों का बच्चा आया था वो। यहाँ पर हमने टर्टल हाउस बनाया था लेकिन हमारा टर्टल मर गया। अभी देखो ना कितना ज्यादा गंदा हो गया यहाँ से, इसको हम साफ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डक हाउस बना देंगे। डक के लिए जो बेबी है उनके लिए यहाँ पर पानी रखेंगे और उसके अंदर ये रहेंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। और आप लोग बताओ हम टर्टल दोबारा लेकर आए तो या फिर यहाँ पर डस्क का ही बना दें हाउस। कल हम इसको साफ करेंगे, ये नीचे से भी इसका पानी निकल आता था वो भी ठीक करेंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे दोबारा से। इसके अंदर से पानी निकल जाता था, टर्टल को भी जब हमने रखा था उस टाइम से निकलना शुरू हो गया था, मैंने ठीक भी किया था लेकिन वो निकलना फिर शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार हम बिल्कुल ठीक करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे अपने डस्क का घर। उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, यहाँ पर वो मजे से नहाएंगे और खेलेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है गुड़िया, कल हम जो टर्टल हाउस बनाया था उसको साफ करेंगे, उसके अंदर हम डक्स के लिए पानी वगैरह रखेंगे और वहां पर ये नहाएंगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर गुड़िया ने इनके लिए घास यहाँ पर रखी हुई है, जो बकरियों की हमारी घास है ये इनको खिला रही है। ये खाती हैं गुड़िया, वैसे खा रही हैं वो, डक्स के बच्चे भी खा रहे हैं और ये भी खा रहे हैं, चिक्स भी हमारे। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर देना, मिलता हूँ आपको कल, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर ये देखे, यहाँ पर उन्होंने घास खा ली और वो बैठ गया, कोकोड़ी है अभी भी खा रहा है, लेकिन ये हम उठाते हैं और खिला देते हैं अपने बकरी वालियों को। ये लो भाई, ये लो ये लो, कब से इंतजार कर रहे थे, इन दोनों को डाल देते हैं। ये देखो यार, ये क्या कर रहे हो, ये खाने दो अब उनको, बस करो। वो खाने के लिए आ गया, कोको लियो भी आ गया, वो दोनों उनके उसके साथ खाएंगे लियो के साथ।